हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज बनाते हैं कस्तूरी मेथी अपने ही घर में, बहुत ही इजी तरीके से। तो चलिए आज बनाते हैं कस्तूरी मेथी। तो इसके लिए ले लेना आपको बंडल एक या दो, आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। और उसकी आप अच्छी अच्छी पत्तियां, सिर्फ पत्तियां ही निकाल लें, हमें डंडी की यहाँ कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आप अच्छी अच्छी पत्तियाँ निकाल लें और जो भी फालतू का एक्स्ट्रा होगा आप उसे फेंक दीजिए। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ फ्रेश और अच्छी पत्तियाँ ही चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आप इसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आप इसमें अपने फ्रेंड्स या फैमिली की हेल्प ले सकते हैं। और जैसे ही आपकी सारी जो मेथी साफ़ हो जाए, क्लीन हो जाए, तो आपको उसे एक अच्छे साफ पानी में दो से तीन बार आप उसे धो लें। दो से तीन बार धोने से क्या होगा कि इसके अंदर जो भी मिट्टी वगैरह होगी तो वो निकल जाएगी और वो हमें नहीं चाहिए। तो हमें क्लीन मेथी चाहिए क्योंकि हमें इसको सुखाना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसे धोकर छान लेंगे, एक छन्नी वाले उसमें बर्तन में रख देंगे, तो जितना भी फालतू पानी होगा वो नीचे छन कर गिर जाएगा। और उसके बाद फिर हम इस पत्तियां को, ये देख रहे हैं, सारा पानी जो है इस पानी को निकाल लेंगे और दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद आपको एक साफ़ कपड़ा बिछाना है, कहीं पर भी बिछा सकते हैं आप, और उस साफ़ कपड़े पर आप इसको अच्छी पत्तियों को अच्छे से फैला दें। ये देखिए, दो दिन बाद ये कुछ इस तरह से हो गई हैं और बिल्कुल जो है लगभग 80% जो है ये सूख गई है। और उसके बाद ये देखिए, ये है आज तीसरा दिन, ये पूरे 3 दिन के बाद ये पूरी तरह से अच्छी तरह से ड्राई हो गई है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करना है, वो है क्रशिंग का। अब हम इसे अपनी दोनों हथेलियों से अच्छी तरह से क्रश कर देंगे पूरी तरीके से, बहुत ईजिली क्रश हो जाएगा। ये पूरी तरीके से मेथी पूरी तरह से सूख चुकी है, तो ये बहुत अच्छी तरह से क्रश हो जाएगी। आपको इसे अच्छी तरीके से क्रश कर लेना है क्योंकि बड़े बड़े हमें इसमें पत्ते या डंठल नहीं चाहिए। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये जो क्रश हो गई है, तो यानी कि हमारी कस्तूरी मेथी रेडी है। और ये बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, आप इसको किसी भी डिश में लास्ट में यूज़ कीजिए, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो ये देखिए, क्रश करने के बाद ये लगभग कुछ इस तरह से दिख रही है। आप इसे किसी भी कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, बस वो टाइट एयर कंटेनर हो ताकि उसमें हवा पास ना हो, तो ये ख़राब नहीं होगा। ये काफ़ी टाइम तक, एक लंबे टाइम तक, आप 6 से 1 साल तक के लिए आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये हमें, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।